कॉलेज ऑफ लॉ से असिस्टेंट प्रोफेसर मेहताब आलम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरपीसी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे शॉर्ट में कि समन, वारंट और अटैचमेंट किस प्रकार से किया जाता है। इस चैप्टर का नाम है कि हाजिर होने के लिए विवश करना, मतलब कोर्ट में हाजिर होने के लिए विवश करने की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करती है, समन जारी करती है। समन क्या है कि समन कैसे तैयार किया जाता है, समन का क्या फॉर्मा होता है, क्या प्रारूप होता है, ये धारा 61 में बताया गया है। समन हमेशा लिखित में होगा, दो कॉपियों में तैयार किया जाता है और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और कोर्ट की साइन लगी होती है। इस प्रकार से एक समन का तैयार किया जाता है, समन को तैयार किया जाता है, ये समन का परफॉर्मा होता है। इसमें समन के परफॉर्मा में ये सारे एसेंशियल होने अनिवार्य हैं, अगर लिखित में नहीं होगा, साइन नहीं होंगे तो समन नहीं माना जाएगा। समन की तामीली कैसे की जाती है, समन कैसे दिया जाता है, तो समन धारा 62 के अनुसार समन हमेशा पर्सनली रूप से किया जाता है, मतलब जिसके खिलाफ समन निकाला गया है उसको हम पर्सनली आपको समन देंगे और उससे कहेंगे कि आपके खिलाफ समन आपके पास के लिए समन आया है। और जो दो कॉपी में हमने समन तैयार किया है उसमें से एक कॉपी पे हम उसकी रिसीविंग ले लेंगे कि इस व्यक्ति ने अपना समन जो है रिसीव कर लिया है। ये जो रिसीविंग है ये एक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाएगी, कल को व्यक्ति ये ना कहे कि मैंने समन का प्रयोग समन मुझे नहीं मिला था, ये कहने से उसको नहीं कहने दिया जाएगा, मुकरने नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से 63 में है कि निगम पर, जैसे निगम पे करना है तो निगम के लिए ये लिखा है कि निगम का सचिव या स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी या डाक द्वारा उसके मेन हेड ऑफिस पे भेज दो। वो तो एक निगम पे करने का प्रोसेस बता रहा है कि किस किस व्यक्ति को हम कर सकते हैं। 64 में क्या है कि जब व्यक्ति समन हम पर्सनली रूप से गए 62 में नहीं मिला, तो 64 में क्या है कि हम वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई बार बार जा रहे हैं व्यक्ति नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसके घर के एक वेस्ट पुरुष जो मेजर मेल पर्सन है उसको हम समन दे देंगे, लेकिन किसी स्त्री को नहीं देंगे, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, स्त्री को हम कभी भी समन नहीं देंगे, मेल पर्सन को हम समन दे देंगे, उससे कह देंगे कि जब वो आए तो आप उनको दे देना और उस व्यक्ति से भी एक रिसीविंग ले लेंगे। इसी प्रकार से 64 होने के बाद अगर 65 में आते हैं हम, मान लीजिए 62 के तहत भी नहीं आ रहा है, नहीं मिल पा रहा है, 63 का भी पालन नहीं हो पाया, 64 में भी हमने कराया वो भी नहीं हो पा रहा है, 65 में हम करेंगे चस्पा, जैसे कहते हैं प्रकाशित करना समन को, तो समन को हम क्या करेंगे, ऐसे स्थान पर चस्पा कर देंगे जैसे उसके घर के सामने चिपका देंगे, उसके गेट पर या आस पड़ोस में दिखाई देने वाले, क्योंकि अगर वो यहाँ से गुजरेगा तो उसको दिखाई दे जाएगा, न्यायालय सदन में चिपका देंगे, तो जिससे कि उसको जानकारी हो जाए। तो 65 का प्रोसेस है चस्पा करना, चिपका देना, प्रकाशन करना। अगर 67 में क्या है कि अगर समन अगर हमें दूसरे स्थान लोकल जो स्थानीय अधिकारता है उससे बाहर हमें समन का भिजवाना है, तो ठीक है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस लोकल जुडिक्शन का उस जुडिशन के मजिस्ट्रेट को आप समन भेज दो, वो अपने हिसाब से धारा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 के हिसाब से प्रोसीडिंग अपनाएगा और समन का पालन कराएगा, ठीक है। इसी प्रकार से समन एक क्या है, समन एक बुलावा पत्र है, हम समन में किसी को भेजते नहीं हैं, आपको हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक बुलावा पत्र है कि आप हाजिर होइए। अगर समन देने के बाद भी व्यक्ति नहीं आता है तो हम करते हैं वारंट की प्रक्रिया। वारंट क्या होता है, वारंट भी ऐसे तैयार किया जाता है, वारंट भी लिखित में होता है, एक कॉपी में तैयार किया जाता है और उस पर मुद्रा लगी होती है, न्यायालय की सील लगी होती है और साइन होते हैं। वारंट क्या है, वारंट एक अधिकार पत्र है, अधिकार मतलब किसी को अधिकार देना, क्या अधिकार देना कि आप उस व्यक्ति को सशरीर गिरफ्तार करके लाओ, ठीक है, बॉडी को उसको मतलब उसको कैप्चर करके आप हमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में या न्यायालय के समक्ष पेश करना है। तो वारंट पुलिस अधिकारी को भी, पुलिस अधिकारी भी पालन कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, जैसे मजिस्ट्रेट ने पावर दे दी कि ठीक है आप जाइए वारंट का पालन करके आइए, ये जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर ही वारंट का पालन करें, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जैसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने पावर दे दी है। चलिए, वारंट में ज़्यादातर हमने देखा है या लिखा भी रहता है कि धारा 71 के प्रोविजंस लिखे होते हैं कि धारा 71 का पालन करना है। धारा 71 में ये लिखा रहता है कि अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति को श्योरिटी बॉन्ड पर कुछ गवाह श्योरिटीज़ को लेकर उसको छोड़ दिया जाए और जो भी उसके बॉन्ड्स हैं या श्योरिटीज़ हैं उसको कागज़ में उसके न्यायालय में कागज़ के भिजवा दिया जाए, तो वो थाने से ही छोड़ दिया जाता है और उसमें ये लिखा रहता है कि जब जब न्यायालय में आपको बुलाया जाएगा आप आते रहेंगे। वारंट में क्या है कि वारंट में
वारंट का पालन कहाँ तक हो सकता है, वारंट का पालन भारत के किसी भी स्थान पर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि गाजियाबाद कोर्ट ने निकाला है तो गाजियाबाद एरिया में ही होगा, और क्या कहते हैं गाजियाबाद एरिया में होगा, भारत के किसी भी स्थान पर वारंट का पालन हो सकता है। ठीक है, वारंट कब तक जीवित रहता है, वारंट का जीवित रहना, वारंट हमेशा जीवित रहता है, मगर एक शब्द में कहे तो वारंट हमेशा जीवित, जब तक वारंट जिसको जिसके लिए जिस पर्पज़ के लिए वारंट निकाला गया है अगर वो वारंट का पर्पज पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक वारंट समाप्त हो जाता है, और जिस कोर्ट ने वारंट निकाला था वह वारंट अगर निरस्त कर देता है तभी वो समाप्त होता है, अन्यथा वारंट हमेशा जीवित रहता है। वारंट में अब वारंट के बारे में बात आता है कि हमने वारंट की भी प्रोसीडिंग पूरी कर दी है, अब हम करेंगे कुड़की। तो कुड़की करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अटैचमेंट करना पड़ेगा। अटैचमेंट करने से पहले हमको करना पड़ेगा प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब उद्घोषणा जारी करनी पड़ेगी। तो न्यायालय यह समाधान हो जाता है न्यायालय का कि वारंट निकाला गया तो व्यक्ति फरार हो रहा है, छिपा रहा है, अपने आप को आने का आ नहीं रहा है, तो कोर्ट एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगी, उसमें लिखेगी निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर, जो कि 30 दिन का उसको समय दिया जाएगा कि आप न्यायालय में हाजिर हों। उसके बाद 82 की कार्रवाई होने के बाद अगर वो नहीं आता है तो उसको, अगर उसने हीनियस अपराध कर रखे हैं तो उसको घोषित अपराधी मतलब प्रोक्लेमेड ऑफेंडर भी घोषित कर देंगे, भगोड़ा घोषित कर देंगे। 83 में क्या है कि जब अब 83 की कार्रवाई जब ही होती है अटैचमेंट की, जब 82 का उद्घोषणा होती है। ठीक है, 83 का पालन करने से पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमने 82 की कार्रवाई कर दी थी और वह व्यक्ति जो है अब नहीं आ रहा है और हमने उसके खिलाफ 82 का पालन कर दिया है, तो उसकी अब प्रॉपर्टी हमें अटैच करनी है, तो प्रॉपर्टी उसकी अटैच कर ली जाएगी, और जैसी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी तो वह अब भागा भागा आएगा। ठीक है, अब 84 में क्या है कि 84 में यह है कि जैसे कि मान लीजिए मेरा भाई है और एक प्रॉपर्टी में हम दोनों भाई हकदार हैं, और उसमें क्या है कि मैं उद्घोषित अपराधी हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई चल रही विधिक, और प्रॉपर्टी जो जब्त हुई उसमें मेरे भाई का भी हक है, तो मेरा भाई ऑब्जेक्शन दाखिल कर देगा कोर्ट में आकर, साहब जो प्रॉपर्टी आपने कुर्क की है उसमें मेरा हक है, मेरा हक छोड़ दीजिए, उसकी आपने जो जब्त कर रखी है वो जब्त कर रखी है, उससे हमें मतलब नहीं है, तो दावा आपत्ति वो कर देगा। अगर उसको 6 महीने के भीतर न्यायालय में आना पड़ेगा, दावा करना पड़ेगा, अगर न्यायालय अपने स्तर से समाधान कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो 1 वर्ष के भीतर उसको सिविल न्यायालय में मुकदमा दाखिल करके इस बात का समाधान कराना होगा कि सर मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दी जाए। इसी प्रकार से 85 में क्या है कि 85 में मान लीजिए कि क्या नाम है, वो जो है नहीं छोड़ रहे हैं प्रॉपर्टी उसकी, जिसने दावा आपत्ति करी थी थर्ड पर्सन ने, जो मेरे अलग दूसरा भाई था, वो नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो अपील में चला जाएगा, अपील में चला जाएगा, और अपील में कहेगा कि साहब 86 में कहेगा साहब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो छुड़वा दी जाए। और 85 में क्या है कि मान लीजिए जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वह आ गया तो ठीक है, आ गया तो उसकी प्रॉपर्टी छोड़ दो, क्योंकि हमारा पर्पज था उसे बुलाने का, जैसे ही वो आ जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और आने के बाद अगर उसने रीजनेबल ग्राउंड दे दिया कि साहब मैं इसलिए नहीं आ रहा था कि मुझे सूचना नहीं मिल पा रही थी, या मैं आना चाहता था, मान लीजिए वो किसी जेल में बंद था, ठीक है, अब वो जेल में बंद था तो वो कैसे आ सकता था, आ ही नहीं सकता था, तो वो नहीं आ सकता था, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है, तो कोर्ट अगर उसके युक्तियुक्त कारण से समाधान हो जाता है कि व्यक्ति अगर आना भी चाहता तो नहीं आ पाता, या उसको सूचना नहीं मिल पा रही थी, तो इस पर युक्तियुक्त आधार है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को उसको छोड़ देंगे, और जो भी विधिक कार्रवाई वो तो हम स्टार्ट कर ही देंगे, क्योंकि वो कोर्ट में आ जाएगा तो कार्रवाई चलती रहेगी। अगर नहीं आता है वो तो उसकी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट सेल कर लेगी और पैसा उसका अपने पास रख लेगी। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, और इसमें मैंने समन और वारंट और अटैचमेंट के बारे में बताया, बहुत शॉर्ट में बताया, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ से आप संपर्क करें, और वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।